प्यारे बच्चों, एक रोज जाड़े के मौसम में सख्त बारिश हो रही थी और एक भूखी सैह सर्दी और पानी से बचने के लिए किसी जगह की तलाश में मारी मारी फिर रही थी। वो एक पुराने दरख्त की जड़ में सुराख देखकर ठिठकी और झांक के देखा तो एक सांप नजर आया। सैह ने गिड़गिड़ाकर कहा, भाई भाई सांप, मुझे मुझे बहुत सर्दी लग रही है, मैं भूखी भी हूँ, क्या आप मुझे अपने मकान में जगा देंगे? सांप को उसकी हालत पर रहम आ गया और बोला, आ जाओ। सैह अंदर चली गई और आराम से एक तरफ बैठ गई। सांप ने उसे खाने को भी दिया। थोड़ी देर बाद जब सैह के जिस्म में गर्मी आ गई तो वो सांप के बिल में इधर उधर फिरने लगी। सैह के जिस्म पे कांटे होते हैं, वो कांटे सांप के बदन पे चुभे तो उसे बहुत तकलीफ हुई, मगर वो नरमी से कहने लगा, बहन बारिश थम गई है, अब अगर आप यहाँ से चली जाओ, क्योंकि इस सुराख में हम दोनों के लिए जगह नहीं है और ये आपके कांटों से मुझे तकलीफ भी हो रही है। सैह ने जवाब दिया, मुझे तो ये सुराख बहुत पसंद है और यहाँ मुझे आराम भी बहुत है, हाँ अगर तुम चाहते हो तो शौक से जा सकते हो। सांप ने कहा, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें अंदर आने ही क्यों दिया। सैह ने जवाब दिया, ये तो तुम्हारी गलती है, तुम्हें चाहिए था मुझे बुलाने से पहले मेरे कांटों को तो देख लेते। सच है बच्चों, बेसोचे समझे काम करने से हमेशा तकलीफ होती है। Please like, share and don't forget to subscribe our channel, Kids Camp.